Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं वांगशियान फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विथ एरोगेंट बॉय का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट. लैन जान साइलेंटली मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोचता है वो बहुत खूबसूरत है. लैन जान और भी ज़्यादा टाइटली विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ एक इंटेंस लुक से देखने लगता है. विंग अपनी तेज धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश में एक पल के लिए अपने आंखें बंद कर लेता है. विंग कहीं नई भावनाएं को महसूस कर रहा था इस पल में, जब उसे लगा कि लैन जान ने उसके ऊपर से अपना आंखें हटा लिया है. तब उसने धीरे धीरे अपना आंखें खोला और लैन जान की तरफ देखा. मैं पहली बार उसे अच्छे से इतनी करीब से देख रहा हूँ, वो भी इतने शांत. लैन जान तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो. यूविन ने जो कहा तुम उसे भी ज़्यादा हैंडसम हो. मुझे लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज और एरोगेंट हो, लेकिन मैं बिल्कुल गलत हूँ. लैन जान तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सोच से बिल्कुल ऑपोजिट हो. मुझे नहीं पता कि एक कैसी भावनाएं है जो महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त. मुझे लगता है कि जब भी वो मेरे पास होता है यही मेरे दिल के धड़कने के लिए बहुत है. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लैन जान. विंग अपने सोच से बाहर आता है जब उसने महसूस किया कि लैन जान अपनी उंगलियों से उसके हाथों को सहला रहा था. विंग लैन जान की तरफ देखता है. लैन जान पहले से ही विंग की तरफ देख रहा था. लैन जान के पिंक लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल थी. विंग भी लैन जान की तरफ देखकर बनी स्माइल देता है और फिर से विंडो से बाहर देखते हुए अपना आंखें बंद कर लेता है. अचानक लैन जान विंग से पूछता है, वी तुमने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया. विंग कॉन्फ्यूज सा शक्ल बनाकर पूछता है, क्या? लैन वांग जी अब अपनी गहरी सी आवाज़ में कहता है, तुम शादी से भाग क्यों गई थी? क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तुम? विंग कहता है, वो तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे ना, और ना ही देखा था हमने एक दूसरे को. लैन जान फिर से डीप वॉइस में पूछता है, और हाँ इस बार तुम शादी से अब खुश हो ना विंग? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? विंग को पता नहीं है कि उसे आप लैन जान से क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसके मॉम ने कहा था लैन जान को छोटी छोटी बात पर भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है. अगर वो सच में भूल गया बोलेगा तो उसे डर है कि लैन जान अब जो उसके साथ इतने स्वीटली बात कर रहा है वो तुरंत स्वीट से एरोगेंट बॉय में बदल जाएगा. वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत लाबी डबी होना चाहता है, लेकिन दूसरे तरफ उसे थोड़ा सा शाई फील भी हो रहा है. विंग को पता है वो ऐसे ही इतने जल्दी लैन जान को अपने दिल की बात नहीं बता सकता, और वो अभी ये भी नहीं जानता है कि उसे लैन जान को नाराज़ नहीं करना चाहिए और लैन जान को उसे खुश करने के लिए क्या करना चाहिए. विंग सॉफ्टली कहता है, पहुंच गए लैन जा हम. देखो, विंग टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा था. लैन जान धीरे से कोल्ड टोन में कहता है, हाँ हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विंग. मुझे लगता है कि पसंद करने के लिए तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग होगा. मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, है ना? विंग तुरंत बिना समय नष्ट किए कहता है, ओ नहीं नहीं लैन जान ऐसा नहीं है. मैं तुम्हें जब विंग को ये रियलाइज़ होता है कि अभी वो क्या कहने वाला था, तो वो खुद को आगे कहने से रोक लेता है. अब अचानक लैन जान कार को रोक देता है और विंग के नज़दीक आकर उसके कान में धीरे से कहता है, मुझसे ज़्यादा किसी और से. जब उसने अपनी ईयर में लैन जान की हॉट ब्रीथ को महसूस किया, विंग लैन जान के तरफ देखने लगता है. लैन जान को अपने इतने करीब देखकर उसके आँख वाइड हो जाता है. विंग घबराते हुए कहता है, ए तुम क्या कर रही हो लैन जान? लैन जान गहरी सी आवाज़ में विंग के कान में कहता है, तुम्हें क्या लगता है विंग मैं
क्या करने वाला हूँ? लैनजन अपने लिप्स पर अपनी ब्रीथ से खेलते हुए पूछ रहा था। विंग शाइली नीचे की तरफ देखने लगता है। उसने जब देखा लैनजन अपने लिप्स के साथ खेल रहा है, उसके दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा था। तो इसीलिए वो शाइली नीचे की तरफ देख रहा था। वो लैनजन को अपने इमोशंस शो नहीं करना चाहता था। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। वो इतना ज़्यादा घबराए हुए था कि वो अब लैनजन के तरफ आँख उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। लैनजन अचानक विंग को अपने पास खींच लेता है। विंग डर से अपने आँखें और ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है। लैनजन विंग के नाक पर हल्की सी किस करता है और विंग के कान में फिर से धीरे से कहता है, अपना आँखें खोलो विंग। विंग लैनजन के कहने पे धीरे धीरे अपना आँख खोलता है। लैनजन विंग के हाथ पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर बैठने के लिए इशारा करता है। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था, लैनजन उसके साथ इतना स्वीट है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। विंग के कुछ समझने से पहले ही लैनजन उसे अपनी गोद में खुद ही बिठा लेता है। विंग आंखें भरी करके लैनजन को ही देखे जा रहा था। लैनजन के करीब आकर फिर से डीप वॉइस में कहता है लैनजन विंग से, विंग मेरा चश्मा उतारो। लैनजन व्हाइट कलर का राउंड चश्मा पहना हुआ था, जिसमें वो और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। लैनजन के हैंडसम फेस पे राउंड चश्मा भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग वो ही करता है जो लैनजन उसे करने के लिए कहता है। अब लैनजन तुरंत विंग के चिन को पकड़ते हुए उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग अपने हाथों से लैनजन को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा था, तो लैनजन विंग के हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे कार की बैक सीट पर लेटा देता है और वो भी फोर्सफुली उसे उसके लिप्स पर किस करने लगता है। विंग के किसी भी ट्रिक्स अब लैनजन के ऊपर काम नहीं आ रहा था। लड़ाई करके विंग थक कर अपना हार मान लेता है और लैनजन को अपने आप को किस करने दे रहा था। लैनजन किस करते समय बहुत एग्रेसिवली विंग को बाइट भी कर रहा था। किस करते समय लैनजन का बाइट करना विंग को दर्द के साथ साथ डरा रहा था। एक लंबी सी वार्म पैशनेट किस के बाद जब विंग पूरी तरह से ब्रेथलेस हो जाता है, लैनजन तुरंत एक सॉफ्ट किस के साथ विंग के लिप्स को छोड़ देता है और प्यार से उसके हाथ पकड़कर उसे सीट पे ठीक से बैठने में मदद करता है और फिर विंग के कपड़े को ठीक करते हुए एक जेंटल मैन की तरह कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग लैनजन की तरफ गुस्से में देखते हुए जवाब देता है, एक क्या था लैनजन, क्या तुम अभी मुझे मार डालना चाहती थी? लैनजन तुरंत विंग को विंग के होठों पर और एक किस कर लेता है और कहता है, विंग ज़्यादा बात मत करो, पहले पानी पियो और धीरे धीरे प्रॉपरली सांस लो। विंग गुस्से में लैनजन के हाथ से पानी का बॉटल ले लेता है। हस्बैंड क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? हनी मेरे तरफ देखो। लैनजन की मुझ से हनी वर्ड को सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा और उसके मुंह से पानी बाहर निकल आता है। तो लैनजन विंग के पीठ को सहलाते हुए फिर से प्यार से कहता है, कहा ना धीरे से पियो, अब चलो कार से बाहर निकलो, हम पहुंच चुके हैं। विंग बाहर के तरफ देखता है तो कार एक फैंसी रेस्टोरेंट के बाहर रुका था। लैनजन कार से बाहर निकलता है और विंग के तरफ जाकर कार की डोर को ओपन करता है और अपना हाथ विंग के तरफ आगे करता है। विंग लैनजन के हाथ पकड़ते हुए कार से बाहर आता है। विंग सरप्राइजिंगली रेस्टोरेंट को घूर घूर के देखे जा रहा था। लैनजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। एक मेल एस्कॉर्ट लैनजन और विंग को उसके टेबल तक लेकर गया।
डेकोरेट टेबल को देखकर विंग दंग रह गया। सब कुछ एक रोमांटिक वाइब दे रहा था। विंग लेंजा की तरफ देखकर बनी स्माइल के साथ पूछता है, लेंजा क्या ये सब तुमने अरेंज किया? लेंजान कहता है, हाँ प्लेस और टेबल डैड और मॉम ने बुक किया था, लेकिन यहाँ के सभी डेकोरेशन मेरे कहने पर किया गया। क्या तुम्हें पसंद आया? फिर लेंजा एक जेंटल हस्बैंड की तरह विंग के बैठने के लिए चेयर को पुल करता है और विंग के एक हाथ पकड़ कर उसे चेयर में बैठने में मदद करता है। उसके टेबल के अरेंजमेंट इस तरह से किया गया था जिसे ऊपर से उन्हें पूरी शहर दिखाई दे। विंग सरप्राइज होकर शहर की खूबसूरत नज़ारा को देख रहा था, जबकि दूसरे ओर लेंजान अपने हस्बैंड की तरफ ही प्यार से देख रहा था। विंग जब ये एहसास होता है विंग को जब के कोई उसे देख रहा है तो विंग घूर कर देखता है। विंग लेंजा को अपने तरफ घूरते हुए देखकर शर्माते हुए इधर उधर देखने लगता है। दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। विंग लेंजा से आई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है जब एक एस्कॉर्ट आकर उन दोनों के ग्लास में वाइन करता है। वेटर विनम्रता से मुस्कुराते हुए लेंजान और विंग को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। लेंजान की इंटेंस निगाहें रेस्टोरेंट का माहौल को वार्म बना रहा था। विंग स्माइल करते हुए लेंजान की तरफ देखकर वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेकर वाइन के ग्लास में से एक सीप लेता है। लेंजान भी एक हल्की सी सीप लेता है वाइन के ग्लास में से। लेंजान विंग की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करके अब पछता रहे हो? विंग तुरंत अपना सिर नहीं में हिलाता है। लेंजान एक और क्वेश्चन पूछता है, विंग क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? विंग तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो लेंजान फिर से और एक क्वेश्चन पूछता है, वी क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग इतने जल्दी अपने दिल के बात बोलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता है, नहीं लेकिन मुझे इस शादी से कोई शिकायत भी नहीं है। लेंजान कहता है, तो तुम हमारी शादी को एक मौका देने के लिए तैयार हो? विंग को एक सेकंड भी नहीं लगा, वो तुरंत कहता है, हाँ बेशक लेंजा, हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। और तुम लेंजा? लेंजान कहता है, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखकर ही अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। वी बात करते करते लेंजा टेबल पर अपना हाथ रखता है, जिसे फिर से उसका हाथ विंग के हाथ से टच हो जाता है। विंग लेंजा की आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हें हाथ पकड़ना पसंद है लेंजा? लेंजा कहता है, तुम वो इंसान हो जिसके हाथ मैं मेरी आखिरी सांस तक ऐसे ही पकड़ के रखना चाहता हूँ। विंग लेंजान विंग का हाथ पकड़ने का मौका छोड़ना ही नहीं चाहता था। विंग के कहने पर ही लेंजान तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और इस बार लेंजान विंग का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था और अपनी उंगलियों से विंग के हाथ पर बार बार स्लाइड कर रहा था, जिसे विंग को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होने लगी थी। वो अपना हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था लेंजान के टच से। लेंजान जब भी उसे टच करता है विंग को उसका टच अलग लगता है। विंग के बहुत सारी दोस्त भी रहा है और सभी बॉयज थे जिनके साथ वो खाना खाता था, पार्टी और क्लब में जाता था और कभी कभी एक दूसरे के घर पर भी हैंग आउट करता था, दोस्तों को हग भी करता था, लेकिन कभी उसे किसी की टच से इस तरह की एहसास नहीं हुआ था जो लेंजा की छूने पर होता है। विंग अपनी फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है शर्म की वजह से और अपनी बॉडी को स्टिफ करके आँखें को बंद कर लेता है। लेंजान विंग को ऐसे ही देखकर स्मार्क करने लगता है। फिर वो जानबूझकर अपना हाथ विंग के थाई पर रखता है। लेंजा का हाथ विंग के थाई को टच होते ही विंग तुरंत अपने
एक हाथ से लहंजा के हाथ को रोकते हुए कहता है, लानवांग जी, मैंने कहा कि मैं इस शादी को मौका दूंगा, लेकिन अभी मैं रेडी इसे पहले कि विंग और आगे कुछ बोल पाता। लहंजा विंग को अपने पास खींचता है और बिना समय नष्ट किए तुरंत विंग के लिप्स से अपने लिप्स जोड़ लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। लहंजान बहुत देर से विंग के लिप्स को ही गौर से देख रहा था। अब विंग के लिप्स उसके लिप्स से मिला हुआ था तो वो अपना कंट्रोल को खोने लगता है। लहंजा विंग को किस करने के साथ साथ अपनी जीभ से विंग के मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था, उसे पूरी तरह से खा जाना चाहता था। जैसे ही लहंजा अपनी जीभ को विंग के मुंह में स्लाइड करने की कोशिश करता है, विंग लहंजा को खुद से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन लहंजा की पकड़ बहुत टाइट थी जिससे विंग खुद को छुरा नहीं पाया, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है और लहंजा की हाथ को कसकर पकड़ते हुए हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? यहाँ रेस्टोरेंट में कोई ऐसा करता है भला? किसी ने देख लिया तो कैसा डिसगस्टिंग लगेगा। लहंजान को बहुत चीर हुआ जब विंग ने उसे रोका। लहंजान पूरी तरह से नशे में था, ड्रिंक्स के वजह से नहीं, विंग के लिप्स और उसके ब्यूटीफुल बॉडी और सॉफ्ट मिल्की स्किन और लोअर लिप्स के नीचे विंग के जो तिल है उसके कारण वो बस अभी पूरी तरह से विंग को खा जाना चाहता है। उसके हर एक बॉडी पार्ट को छूकर महसूस करना चाहता है, उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। विंग अपनी बात बोल ही रहा था, लहंजान को उसके बात पर कोई ध्यान नहीं है, वो तो बस विंग के लिप्स को देख रहा था, विंग के लिप्स के मूवमेंट को देख रहा था। तभी वेटर फूड लेकर आ जाता है। धीमी आवाज़ में सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक भी बजना शुरू हो जाता है। लहंजान खुद को शांत करता है और विंग के थाई से अपना हाथ हटा लेता है और मन ही मन में सोचता है, बस और दो दिन विंग, इसके बाद मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी बॉडी, स्माइल, सॉफ्ट लिप्स, सब पर सिर्फ मेरा नाम होगा, लहंजा। लहंजान विंग के तरफ देखकर सॉफ्ट बॉयज में कहता है, चलो अब खाना शुरू करो। विंग खुद डिशेस में से खाना लेने जा ही रहा था तभी लहंजान उसे रोकते हुए कहता है, इसे टच मत करो, ये हमारे घर का नियम नहीं है। विंग, अब तुम भी एक लैन हो तो तुम्हें भी अब इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा और हाँ, टेबल मैनर्स सीखना होगा। सुबह भी मैंने नोटिस किया था तुम मॉम डैड के साथ खाना खाते समय भी प्रॉपरली नहीं बैठे थे, खाने पे कम और इधर उधर ज़्यादा देख रहे थे। अब से तुम ऐसा नहीं करोगे, ए डैड को पसंद नहीं है और मुझे भी, विंग कहता है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लहंजान कहता है। हाँ, क्योंकि तुम पहले से ही हमारे घर की तौर तरीके के बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था इसीलिए। लहंजान अपने बात बोलकर वेटर्स की तरफ इशारा करता है। वेटर आकर विंग और लहंजा को फूड सर्व करता है। सभी फूड विंग के फेवरेट है। प्लेट में खाना देखकर विंग खुद को रोक ही नहीं पाता, वो बेबीज की तरह फूड को एंजॉय करने लगता है। खाते समय थोड़ा विंग के लिप्स और उसके आस पास भी थोड़ा खाना लग जाता है। लहंजान बहुत टाइम से ये सब देख रहा था, लेकिन वो विंग को कुछ कहकर उसे एम्बरेस नहीं करना चाहता था। इस बारे में लहंजान को लगता है कि शायद विंग को इस बारे में बताने से वो एम्बरेस फील करने लगेगा, इसीलिए लहंजान खुद अपने हाथ में टिश्यू लेकर विंग के फेस और लिप्स को क्लीन करता है। विंग अपने आंखें वाइट करके लहंजा के तरफ देखकर अपने पाउटी लिप्स के साथ कहता है, क्या हुआ? लहंजान इस बात पे कुछ नहीं बोलता, वो बस विंग को टिश्यू दिखाता है। विंग स्माइल करके कहता है, शुक्रिया लहंवांग जी। तभी लहंजान कहता है, वांग जी नहीं, तुम मुझे लहंजा कहकर बुलाओगे। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है, तुम्हें खाना पसंद आया वी? विंग फिर हाँ में अपना सिर हिलाता है तो लहंजान लाउडली विंग का नाम लेकर इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है?
वी आइसक्रीम खाने में बिजी था, लेकिन उसने जब लैंजा के लाउड वॉयस को सुनता है, विंग चौंक कर लैंजा के तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, वो आइस। विंग के बात पूरी होने से पहले ही लैंजा ने उसे रोकते हुए कहता है, लगता है तुम्हें आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है, तुम आराम से आइसक्रीम खाओ, फिर हम चलते हैं, ठीक है। इस बार विंग स्माइल करके कहता है, हाँ ठीक है लैंजा, तुम भी टेस्ट करो ना, आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लैंजा ने उसकी ठंडी सी आवाज़ में विंग के तरफ देखते हुए कहता है, मुझे स्वीट पसंद नहीं है, तुम खाओ। डिनर ख़त्म करके घर वापस जाने के लिए दोनों अपने कार में आकर बैठता है। इस बार विंग कार में बैठकर खुद ही अपना हाथ अपने लैप पर रखता है और थोड़ा लैंजा के करीब रखता है, लेकिन इस बार लैंजा ऐसा कुछ नहीं करता। लैंजा अपना ध्यान कार चलाने में ही दे रहा था। विंग मन ही मन में सोचता है, ये लड़का इतना अनोइंग क्यों है, अभी तक मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। विंग सोचते सोचते कार में ही सो गया था। वो लोग अब घर पहुँच चुका है। लैंजान विंग को कार से उतरने के लिए कहने ही वाला था, तभी वो देखता है कि विंग कार में ही सो गया है और वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लैंजान विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है। लैंजान बहुत ही केयरफुली विंग को बेड पर लेटा रहा था, जिससे कि विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो कंफर्टेबली सो सके। विंग को लेटा कर लैंजान शावर लेने के लिए बाथरूम में आ जाता है। विंग अभी भी नहीं जागा था, वो पीसफुली बेड पर सो रहा था, वो भी तकिए को हक किए हुए। लैंजान हॉट बाथ लेने के बाद कमरे में आता है तो वो देखता है विंग बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। पहले लैंजान बेड से पिलो उठाकर सोफे पे सोने के लिए जाने ही वाला था, तभी विंग नींद में ही उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लेता है और नींद में ही उसे अपने पास खींचने लगता है। लैंजान अपने हाथ को छुड़ाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। लैंजान सोते हुए विंग को देखकर स्माइल करता है और वो भी खुद उसके पास ही सो जाता है। विंग सोते हुए और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग नींद में ही मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर लैंजान अपने हाथ को विंग के लिप्स पर लेकर जाता है और अपनी उंगलियों से उसके लिप्स को सहलाने लगता है और उसकी चीक्स को टच करने लगता है। विंग नींद में ही लैंजा के फिंगर को लिक कर लेता है, जिसे लैंजान तुरंत अपने हाथ पीछे कर लेता है। विंग के सॉफ्ट लिप्स के टच से लैंजान अपनी बॉडी में हीट महसूस करने लगता है। लैंजान खुद को शांत करने के लिए अपना आँखें विंग के लिप्स से हटा लेता है और आँखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। वो फिर से अपनी आँखें खोलता है और विंग के तरफ देखता है, उसके करीब जाने लगता है। विंग की तरफ देखते हुए लैंजा की गर्म सांसें विंग के फेस को टच हो रहा था। लैंजा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कब वो विंग के इतने नज़दीक आ गए और अपने लिप्स से विंग के लिप्स को प्रेस करके उसे किस करने लगा था। किस करते करते लैंजा और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। वो अब सॉफ्ट किस को छोड़कर बहुत ही ज़्यादा रफली विंग के लिप्स को किस करना और सक करना लगा था। अचानक लैंजान को महसूस होता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो तुरंत विंग के लिप्स को छोड़कर खुद को पीछे कर लेता है और विंग के फेस को ध्यान से देखने लगता है कि कहीं उसने विंग के फेस या उसके लिप्स पर कोई निशान तो नहीं छोड़ा ना। लैंजान को अब अपने हरकतों पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इस तरह से अपने हस्बैंड का फ़ायदा उठा सकता है, वो भी तब जब वो नींद में हो। लैंजान विंग के फेस को क्लीन करता है और उसके फेस पर मॉइस्चराइजर लगा देता है। सुबह के सनलाइट विंडो से विंग के फेस पर पड़ता है। सनलाइट की रोशनी से विंग का नींद नहीं खुलता, वो बेड पर पीसफुली सोया हुआ था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। सुबह के 10 बज चुके थे। विंग का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की घंटी से विंग इरिटेट होकर कहता है, यूबिन इसे मेरे कमरे से बाहर लेकर जाओ अभी, इसके आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रहा है। फिर भी विंग को सेम टोन बार बार सुनाई दे रहा था, जिसे विंग चिरकर नींद में ही खुद फ़ोन ढूंढने लगता है। कॉल रिसीव करके विंग स्लीपिंग टोन में ही कहता है, हेलो कौन? वो बहुत राशली कहता है।
फोन के दूसरी तरफ से विंग के मॉम कहती है, बेबी मैं हूँ तुम्हारी मॉम। बेबी समय क्या हुआ है? विंग अपने हाथों से आइस को रब करते हुए कहता है, मॉम समय जानने के लिए आपने इतनी सुबह मुझे कॉल क्यों कर रही हो और आप नीचे से मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मैडम यूँ कहती है, वी बुशियान तुम अभी भी नींद में हो या तुम नशे में हो बेबी? 10 बज चुका है और क्या मतलब मैं नीचे से क्यों तुम्हें कॉल कर रही हूँ? मैं तुम अपने इन लॉस के घर पर हो, हस्बैंड के घर पर हो, तो मैं तुम्हें कॉल करके तुम्हारी हालचाल नहीं पूछूं तो कैसे पूछूं? और तुम अभी भी सो रहे हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था बेबी, वांग जी सुबह जाग जाता है, तुम्हें भी उसके साथ जागना चाहिए ना और उसके साथ बैठकर नाश्ता करना चाहिए। विंग अपने मॉम के बात सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपना आँखें खोलकर खुद को लैंजा के कमरे में और उसके बेड में देखकर सरप्राइज हो जाता है। कमरे में लैंजा उसे दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही शावर की आवाज़ आ रहा था। विंग अपने मॉम से कहता है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। विंग फ़ोन रखने के बाद कमरे से बाहर निकलकर वांग जी को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वांग जी उसे हॉल या गार्डन कहीं पर भी नहीं मिलता। विंग अंदर आकर सर्वेंट लेडी लिली से पूछता है, लिली क्या तुमने लैंजा को देखा? लिली अपना सर नीचे की तरफ रखकर ही विनम्रता से कहता है, यंग मास्टर बाहर गया है। विंग फिर से कहता है, लिली तुम्हें मेरे सामने सर झुकाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली क्या तुम्हें पता है कि लैंजा कहाँ गया है? लिली कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विंग कार की आवाज़ सुनता है। विंग दरवाजे के तरफ देखकर कहता है, देखने लगता है, लैंजा जॉगिंग सूट में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है। उसके हाथ में एक ड्रिंकिंग बॉटल भी थी जिसमें से वो प्रोटीन शेक पी रहा था और विंग उसे प्रोटीन शेक पीते हुए देख रहा था। विंग लैंजा के पिंकिश लिप्स को ही देखे जा रहा था और उसके थ्रोट, उसके जॉ लाइन को देख रहा था। विंग लैंजा के लिए और भी ज़्यादा वीक होने लगता है और मन ही मन में सोचता है, कौन ड्रिंक करते टाइम भी इतना हॉट और सेक्सी लग सकता है? ये सिर्फ तुम ही हो लैंजा, के हर वक्त तुम जैसे भी हो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो और हैंडसम लगते हो। अचानक लैंजा का ध्यान विंग पर पड़ता है जो उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। लैंजा लिली के हाथ में उसका बैग और सिपर देता है और विंग के पास आकर उसके मेसी हेयर को हल्के हाथों से रफ करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? अचानक अपने सर पर टच फील होते ही विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और लैंजा को अपने पास खड़ा देखकर हकलाते हुए कहता है, हाँ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लैंजा कहता है, क्योंकि तुम कल कार में ही सो गई थी, फिर घर आने के बाद भी तुम नहीं जागे, क्या ड्रिंक बहुत ज़्यादा हार्ड था? विंग कहता है, नहीं नहीं तो मुझे ड्रिंक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता लैंजा, मैं पहली बार ड्रिंक नहीं कर रहा था, मुझे ड्रिंक की आदत है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में बहुत ड्रिंक करती थी, तब भी मुझे नशा नहीं होता था, पता नहीं क्यों शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। क्या कल तुम्हें अच्छी सी नींद आई? लैंजा फिर से पूछता है। विंग कहता है, तुम कहाँ गए थे लैंजा? लैंजा कहता है, जॉगिंग पर। अच्छा क्या तुमने नाश्ता कर लिया? विंग कहता है, नहीं मैं बस अभी उठा हूँ। लैंजा विंग के सर पर प्यार से अपना हाथ रखकर उसे अपने पास लाकर उसकी फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके सर से अपना हाथ पीछे कर लेता है। मैं बात लेने जा रहा हूँ, फिर दोनों साथ में नाश्ता करेंगे, ठीक है? और तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो अभी, और हाँ फिर भी ब्रदर आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तैयार हो जाओ, ब्रदर हमसे मिलने आने वाले हैं अपने डिज़ाइनर के साथ। विंग कॉन्फ्यूज़ होकर कहता है, डिज़ाइनर को साथ में क्यों लाएंगे? लैंजा अपने कोल्ड टोन में और ठन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, वो कल हम हनीमून के लिए जाने वाले हैं ना? लास्ट की लाइन वो बहुत ही धीरे से कहता है क्योंकि उसे बहुत शाई फील हो रहा था और
मैंने देखा कि तुम्हारे पास वह जाकर पहनने वाला कपड़े नहीं है, मेरा मतलब उस कंट्री के हिसाब से नहीं है, वह बहुत ज़्यादा ठंड है। तो तुम जिस तरह के कपड़े अपने साथ लाए हो वह जाकर वो नहीं पहन सकते है ना, तुम तो वह नॉर्मल सी ड्रेस तो नहीं पहन के जा पाओगे, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लिया जाए तुम्हारे लिए। विंग को लेंजा की ए वाली साइड बहुत अच्छा लग रहा था, विंग प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, शुक्रिया लेंजा। लेंजन अपने कमरे में आ जाता है बात लेने के लिए। विंग भी रेडी होने के लिए नीचे वाली कमरे के वॉशरूम को यूज़ करता है, जिस रूम में उसे पहले दिन रहने के लिए कहा गया था। विंग रेडी होकर रूम में आता है तो उसे कुछ याद आता है जो वो अपने घर से लाना भूल गई थी, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग तुरंत यूविन को कॉल करता है। रिंग होते ही यूविन कॉल उठाकर विंग को ग्रीट करके कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। यूविन को विंग के आवाज़ नॉर्मल लगा, जिससे वो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। विंग फिर से कहता है, यूविन क्या तुम अभी मेरे सामान को लेकर मेरे घर आ सकते हो? मेरा मतलब कि विंग के बात पूरी होने से पहले यूविन कहता है, मुझे पता है मास्टर आप कौन से सामान के बारे में बात कर रहे हो, मैं बस अभी आपके लिए उस सामान को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। विंग बात करके कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि लीली दरवाज़ा को खोल रहा है। शिचन अपने डिज़ाइनर के साथ घर के अंदर आता है, उसके फेस पर हमेशा सुकून देने वाला एक स्माइल होता है। लेंजन और वो भाई है, मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो स्माइल करके बात करता है और लेंजा हमेशा एक एटीट्यूड और एरोगेंस अपने फेस पर लेकर घूमता है और स्माइल के बारे में तो भूल ही जाओ। विंग ऐसा कुछ सोच ही रहा था तभी शिचन विंग को वो करता है, जिसे विंग का ध्यान टूट जाता है और वो भी स्माइल के साथ सर झुकाकर बो करता है। शिचन कहता है, मास्टर वी क्या आप ठीक हो? विंग कहता है, प्लीज़ ब्रदर आप मुझे मास्टर मत कहिए, आप मुझे वी वुशियान कहकर बुला सकते हो, मुझे मास्टर सुनने की आदत नहीं है, मुझे अजीब लगता है। तो शिचन कहता है, तो लैन शिचन उसके बात पर एग्री करते हुए कहता है, वांग जी कहाँ है, देखा ही नहीं दे रहा है, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा, अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। विंग कहता है, वो लेंजान अपने कमरे में है और वो तैयार होने के लिए गया है, आप लोग बैठो मैं लेंजा को बाहर बुला कर लाता हूँ। वी ये कहकर लेंजा को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ जाता है। बाथरूम में से अभी भी शावर की आवाज़ आ रही थी। विंग लिप्स को पाउट करके बेड की एक कॉर्नर में ही बैठ जाता है और लेंजा के लिए इंतज़ार करता है। 5 मिनट के बाद विंग बाथरूम के डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है। बाथरूम से लेंजा निकलता है, वो भी हाफ नेकेड, जिसे लेंजा के परफेक्ट टोन बॉडी और एब्स क्लियरली विंग को दिखाई दे रहा था। उसके गीले बालों से पानी उसकी शरीर पर गिर रहा था, जो लेंजा को और भी ज़्यादा हॉट बना रहा था। विंग लेंजा को ऐसे देखकर बुरी तरह से ब्लश करने लगता है, वो अपने चीक्स को बर्न होते हुए महसूस भी कर पा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।